बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री एरियाज। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, अक्सर दोस्त साहबाद ना मेरे पास जब आते हैं तो वो मुझे वैक्सीन के बारे में पूछते हैं कि वैक्सीन बनाने का और वैक्सीन लगाने का तरीका बता दीजिएगा। तो उन दोस्त साहबाब के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को बना के और प्रैक्टिकली आप दोस्तों को दिखा भी दूँ कि बेसिकली वैक्सीन बनती कैसे है और लगती कैसे है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये वैक्सीन आपको मिलती है, बेसिकली वैक्सीन वायल ये वाली होती है, 1000 डोज होती है। जब वैक्सीन एक मरतबा आप इसका महलूल तैयार कर ले तो ये विद इन 1 आवर्स वैक्सीन एक्सपायर हो जाती है। जब भी आप वैक्सीन लें तो दो चीज़ों को मेक श्योर करें कि पहले नंबर पर वैक्सीन जो है वो ऊपर से सील्ड हो, कि यूज ना हो, ऐसा ना हो कि जस्ट उन्होंने आपको ये कह सकते हैं कि फेक वैक्सीन दे दी हो या फिर ऊपर से निकाल के इस्तेमाल करके बीच में कुछ और डाल के आपको दे दिया हो। तो मेक श्योर कि आपकी ये जो सील्ड है ना, ये कंपनी सील्ड हो। और दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है जी एक्सपायरी डेट, इसकी चेक कर लीजिएगा कि वैक्सीन आप एक्सपायर ना इस्तेमाल करें। और तीसरा इसमें यह आ जाता है कि जब भी आप वैक्सीन लगाएँ तो एटलीस्ट ये लेबल उतार के अपने पास महफूज कर लें कम से कम 1 माह तक, कि अगर खुदा ना खासा कोई वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट आता है तो आपको पता हो कि आपने किस कंपनी की वैक्सीन की है, ताकि आप उस कंपनी से क्लेम या उस कंपनी को किसी भी तरह की कोई शिकायत करें तो आपके पास सबूत हो कि भई आपने ये वैक्सीन अपने चूज़ों को लगाई है। तो आज हम चूज़ों को कर रहे हैं जी NDIB, बेसिकली H120 वैक्सीन भी की जाती है। अगर आप NDIB कर रहे हैं तो फिर आपको H120 करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका तरीकाकार क्या है बनाने का, देखिए ये वाटर जो मेडिकल वाटर आपको बाज़ार से मिल जाता है तकरीबन 50 रुपये का ये मेडिकल वाटर मिलता है, ठीक है। अगर आप एक मरतबा लेके आ गए तो दूसरी मरतबा आप इसको बॉयल्ड पानी या फिर फ़िल्टर वाला पानी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ़िल्टर वाले पानी में आप वैक्सीन बनाएं। और इसको बनाने का तरीकाकार क्या है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहते हैं जी। वैक्सीन को बनाने के ऊपर कि हम वैक्सीन जो है वो बनाते कैसे हैं, देखें सबसे पहले आपने क्या करना है कि वायल की देख लेनी एस्टिमेटेड कि इसमें कितना पानी पड़ेगा। कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा जो है वो नीचे रखिएगा ताकि जब आप वैक्सीन बनाएं तो आपको शेक करने में आसानी हो। अगर आप बिल्कुल फिल कर लेंगे तो आपका पानी जो है वो शेक नहीं होगा। तो हम अंदाजे से सिरिंज से इधर तकरीबन कह लें कि कोई 2 या 3 CC पानी जो है वो पहले मिक्स करते हैं कि देखते हैं कि फिर इसमें क्या है। तो अब इसके लिए क्या तरीकाकार होगा, सबसे पहले ये सील खोलिए, ठीक है। और कोशिश करें कि जब तक आपका महलूल तैयार ना हो जाए तब तक आपके वैक्सीन वाली जो वायल होती है नीचे, इसमें हवा का गुजरना हो। हवा लगने से वैक्सीन का असर ख़त्म तो नहीं होता बट काफ़ी हद तक इसका असर कम हो जाता है, ठीक है जी। जस्ट आपने सिरिंज इसमें लगानी है और कोशिश ये करनी है कि वैक्सीन जब आपकी बने, ठीक है, तो आपकी सिरिंज जो है ना वो पानी में डिप ना हो, वैक्सीन वाले पानी को स्टील टच ना करे, बस ऊपर ही रख के आपने लगानी है। मेरे ख्याल में ये 3-4 CC लग जाएगा इसमें। ये देख लीजिएगा जी, क्योंकि इसके अंदर हवा उन्होंने रखी होती है, खुद ही सक कर लेता है। तो ये आपका जो है वो वैक्सीन ये बन गई है। तो अच्छी तरह इसको शेक कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये वैक्सीन का महलूल जो है ये तैयार हो गया है, ये वैक्सीन बन गई है। अब नेक्स्ट इसका जो तरीकाकार है जी वो इसको आप खोलें, ऐसा आवाज़ बहुत कम आ, और 2 मरतबा आप इसको इस तरह से कर लें ताकि आपको श्योर हो जाए कि ये जो वैक्सीन वाला आपने महलूल तैयार किया है ये बिल्कुल मिक्स हो गया है। लें जी, ये आपकी वो होगी जी वैक्सीन तैयार। अब ये वैक्सीन आपने 1000 बर्ड को करनी है। तरीकाकार ये है कि आपने आई ड्रॉप करें इनको, इनकी आंखों में एक कतरा डालें। अगर आपके पास बर्ड थोड़े हैं तो आप क्या करें कि एक कतरा इसके मुंह में डाल दें और एक कतरा आंख में डाल दें। आंख में डालने का फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ से पानी डायरेक्ट इसकी वेंस में जाता है, जो वैक्सीन है ना पीता ये यहाँ से भी पानी है, ठीक है जी। आंख में डालेगा पिएगा, ये यहाँ से भी पानी ही पिएगा, और मुँह में डालने का ये कि चलें ठीक है जी इसको मैदे का। थोड़ा सा कह सकते हैं कि लेंथी प्रोसेस है बट इसमें होगा ये कि ये आपको 100% श्योर हो जाएगा कि आपके जो चिक्स है ना उनको हर एक को वैक्सीन होगी हुई है। तो लें जी, ये है वैक्सीन का तरीकाकार। आप चाहे छोटे चूज़े को करें, आप चाहे बड़े बर्ड को करें। लाइव वैक्सीन जिसको हम नॉर्मली वाइल की सूरत में पानी में डाल के पिलाते हैं, अगर आपके पास बर्ड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इसको पानी में भी मिला के दे सकते हैं।
उसके लिए कुछ और एहतियातें होती हैं, बट ये वाला जो तरीकाकार होता है ये 100% आपको स्योर मिलेगा। इसमें ये नहीं होगा कि किसी बर्ड को वैक्सीन ओवरडोज हुई है या किसी को कम हो गई है। तो ये वाला आपका तरीकाकार है, ये एक वायल आपको 1000 बर्ड के लिए काफ़ी होगी, चाहे आपका बर्ड डे ओल्ड है चाहे आपका 2 साल का बर्ड है। ये एनडी प्लस आईबी की वैक्सीन आप लाजमी किया करें हर माह बाद, एनडी कम से कम एनडी तो हर माह बाद लाजमी किया करें। तब हमारे पास जो है वो तकरीबन 600 के करीब ये चूज़ा है, बाकी जो वैक्सीन होगी हम अपने बड़े बर्ड को या ब्रीडर को करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वो दोस्त साहबाब जो वैक्सीन बनाने के बारे में मुझसे पूछते रहते हैं तो उनके लिए ये छोटी सी वीडियो कारामद होगी जी। थैंक यू सो मच।